ये कोविड फिर से चल रहा है और देश में ऑक्सीजन की काफी कमी भी चल रही है। वैसे क्या आपने कभी नोट किया है कि हॉस्पिटल में रखे हुए सिलेंडर्स का कलर अलग क्यों होता है, उनका शोल्डर अलग कलर का क्यों होता है? अगर नहीं तो इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वीडियो बनाने में ना बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और जब हमें रिजल्ट नहीं मिलता ना तो बहुत दुख भी होता है। अब आते हैं वीडियो पर। घरों में गैस सिलेंडर होता है जो लाल रंग का होता है, जो दिखा रहा है कि वे फ्लेमेबल है, इससे आग लग सकती है। वही हॉस्पिटल में रखा सिलेंडर होता है ना, वो ऑक्सीजन का होता है तो वो व्हाइट कलर का होगा या उसका शोल्डर व्हाइट कलर का होगा। इसलिए आपने भी कई बार देखा होगा टीवी में, न्यूज में, जितने भी ऑक्सीजन के सिलेंडर है ना वो व्हाइट कलर के इस तरह के कंटेनर है ना उन्हीं में ही है, जो इस तरह के बड़े बड़े व्हाइट सिलेंडर में है। सभी गैसों की वजह से ना उनके सिलेंडर का कलर अलग ही रखा जाता है, जिसके बहुत सारे सेफ्टी रीजन है। अब मान लो कोई सिलेंडर गलती से दूसरे में मिक्स हो जाए तो उसे कैसे पहचानेंगे हम? उसके कलर की वजह से हम उसे आसानी से पहचान सकते हैं कि हाँ भाई ये गलती से मिक्स हो गया होगा। और हर सिलेंडर का अलग कलर होता है जो कि अलग गैस को शो कर रहा है। जैसे व्हाइट सिलेंडर ऑक्सीजन को शो करता है, ब्लैक सिलेंडर नाइट्रोजन को शो करता है, ब्राउन सिलेंडर हीलियम को शो करता है, ग्रे सिलेंडर CO2 को शो करता है। और हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात, जरूरी नहीं है कि पूरा सिलेंडर एक ही कलर का हो सकता है कि सिलेंडर विदाउट कलर हो या ब्लैक हो या उससे मिलते जुलते कलर का हो, लेकिन उसका जो शोल्डर होता है ना वो अलग ही होगा, क्योंकि उसका शोल्डर ही तो बताएगा कि इस सिलेंडर में कौन सी गैस है। अगर उसका शोल्डर व्हाइट है तो ऑक्सीजन है, रेड है तो फ्लेमेबल है। लेकिन घरों में जो सिलेंडर यूज होता है उसका शोल्डर तो रेड होता है, लेकिन पूरा सिलेंडर भी तो रेड होता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए पूरा रेड इसीलिए क्योंकि वो खतरे को शो कर रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो दे दो यार प्यारा सा थम्स अप। जय हिंद, वंदे मातरम।